वेलकम बैक सलमान. वो वक्फे से जाने से पहले मैं उस सेक्शन 15 के बारे में हमें जरा डिटेल से बताइए, क्योंकि वो जजमेंट के हवाले से, ताकि हमारे नाजरीन को जरा सादा अल्फाज में पता चले कि वो क्या होता था सेक्शन 15 और कैसे उसकी वो बैंक उसका इस्तेमाल करता था और फिर उसके क्या असरात होते थे और अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको कालअदम करार दिया है तो उनकी क्या वजूहात है. सॉरी राय साहब, आप एक कस्टमर हैं, आपने बैंक से कर्जा लिया, आपने अपनी प्रॉपर्टी उस कर्जे के इवज बैंक को जर जमानत के तौर पर दे दी जी. उसके बाद किसी ऐसी रीजन जिसमें आपका कोई कसूर नहीं है या कोई आप बाय वर्चू ऑफ एनी रीजन एक डिफॉल्ट हो जाता है, अब उस सेक्शन 15 के तहत बैंक जो था वो बैंक वाज जज इन हिज ओन काज, वो खुद डिटरमिन कर लेता था कि भी मैंने आपको 100 रुपए दिया, अब आपने मुझे 100 इतने रुपए वापस करे. ठीक. उसके बाद वो आपसे जब वो पैसे वापस मांगता था आप दे नहीं पाते थे, तो वो आपकी प्रॉपर्टी को बगैर अदालत में जाके अदालत से डिग्री हासिल किए बगैर ही उस प्रॉपर्टी को नीलामे आम कर देता था. उस नीलामे आम में बेशुमार खामियां सामने आई क्योंकि 2001 के कानून में ये प्रोविजन सेक्शन 15 की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस 2001 में ये प्रोविजन आई थी और ये प्रोविजन लाहौर हाईकोर्ट ने 2009 में कालअदम की और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इसको अपहोल्ड किया उस लाहौर हाईकोर्ट के फुल बैंक के फैसले को. तो पता ये चला कि टाइम टू टाइम बैंक्स जो थे वो लोगों से उन्होंने बड़ी ज्यादतियां की और लोगों की बहुत कीमती कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज औने पौने दामों में एक सब कुछ ऐसे मिसालें भी हैं जिसमें नीलामे आम पेपर वर्क हुआ, ड्राइंग रूम हुआ, पब्लिक में भी नहीं किया गया और लोगों को उनकी कीमती सिक्योरिटी से महरूम कर दिया गया. और उसके बाद जो कर्जा अदालत तय करती है एक डिग्री की फॉर्म में कि आपने ये देना है, उसको सेक्शन 3 एफआईओ के मुताबिक हम कहते हैं कि डिफॉल्ट मींस अ जजमेंट ऑन डिग्री, ये डेफिनेशन है. अच्छा, यहां पे आपको मजा आएगा कि डिफॉल्ट का लफ्ज नैब लॉ में भी, नैब ऑर्डिनेंस 99 में भी यूज हुआ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस में भी वर्ड डिफॉल्ट है. अब सेक्शन 3 ये कहता है कि तब तक डिफॉल्ट नहीं है जब तक जजमेंट डिग्री नहीं हुई जी. और नैब ऑर्डिनेंस के अंदर विलफुल डिफॉल्ट जिसको नैब अजर्ट कर सकता है वो विलफुल डिफॉल्ट की डेफिनेशन में जा सकते हैं. लेकिन मैं आपके सवाल का पहले वो जवाब दे दूं कि सेक्शन 15 का मिस यूज होता गया और फिर हाईकोर्ट के अंदर आईनी दरखास्तें आई और फिर बेशुमार आईनी दरखास्तें आई, फिर हाईकोर्ट ने उस पर सिंगल बेंच से फुल बेंच में वो दरखास्तें गई, उसके ऊपर बेशुमार हियरिंग्स हुई और दोनों साइड्स को सुनने के बाद बड़ी जबरदस्त जजमेंट लाहौर हाईकोर्ट ने दी और वो लाहौर हाईकोर्ट इज द फर्स्ट हाईकोर्ट इन ऑल ओवर द पाकिस्तान जिसने सेक्शन 15 को कालअदम डिक्लेयर किया और फिर लाहौर हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने. अच्छा, मुझे सलमान आपके साथ नाजरीन आप इस सारी गुफ्तगू में देख रहे होंगे कि सलमान किस डिटेल अंदाज में हमें बैंकिंग कवानीन के बारे में समझा रहे हैं, बता रहे हैं और आपकी रहनुमाई के लिए आपको वो टिप्स दे रहे हैं ताकि आप अपने तौर पर जब कभी आप किसी बैंक से राबता करें किसी भी फैसिलिटी के असूल के लिए, वो क्रेडिट कार्ड की शक्ल में हो, वो लोन की शक्ल में हो, वो किसी आउटस्टैंडिंग ओवरड्राफ्ट की शक्ल में हो, तो आपको इन चीज़ों का पता हो, क्योंकि हमारा प्रोग्राम कानून तक रसाई के हवाले से जो भी हमारे प्रोग्राम का हमने जो मेन स्ट्रक्चर बनाया है वो यही बनाया है कि हम इन प्रोग्राम्स के थ्रू आप तक उन मामलात को लेकर आएंगे ताकि आप उन मामलात में अपने आप को देखें और उनको देखें जिनसे अभी तक आपकी आशनाई नहीं है. सलमान, यहाँ पे एक और बड़ा अहम सवाल जो बनता है कि नैब का जिक्र आपने किया, अभी मैंने उधर आ रहा था आपका इस तरफ कि नैब का आपने बताया कि नैब भी आपका एक रिकवरी कर रहा है और बैंक भी कर रहा है. अब कर्जा या सहूलत या चीज तो मैंने ली, दो तरह से मेरे से कैसे रिकवरी की जा रही है और नैब क्यों उसमें इन्वॉल्व हो रहा है जबकि बैंकिंग लॉज मौजूद है? क्या इस कानून में कोई ऐसी इबहाम है या अथॉरिटी का क्लैश है या क्या समझते हैं आप? राय साहब, नैब ऑर्डिनेंस 99 और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस 2001 ये दोनों कवानीन उस वक्त इस मुल्क में आए थे जब इस मुल्क में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी जी. तो ये पहली बात तो ये कि इन आल दो कि बाय वर्चू ऑफ 18th अमेंडमेंट एक्ट इन तमाम कवानीन को, ये जो ऑर्डिनेंस थे इनको दर्जा कानून मिल गया और हमारी असम्बलियों ने बाद में दे दिया, लेकिन इन बिल जब इन कवानीन बने थे तो इनकी असम्बलियों में ना तो कोई बहस हुई थी और ना ही इन पर कोई डिस्कशन हुई थी
और उस वक्त उस हालातों वाकयात के खास तनाजुर में इन कवानीन को उस वक्त इंटैक्ट किया गया। अब गुजारिश यह है कि नैब ऑर्डिनेंस जो है उसका बेसिक थीम यह है कि एक ऐसी करप्ट प्रैक्टिस को स्टॉप करना जिससे अवामुन नास के साथ उसके हकूक को कोई डाका डाला जा रहा हो और एक धोखा फ्रॉड किया जा रहा हो एक मेगा कैनवस के ऊपर, जबकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस के अंदर एक बैंक एक कस्टमर एक एक चीज को देखा जाता है। यानी कि नाजरीन के लिए आप उसको मजीद सादा करते हैं कि जहां पे बड़ा करप्शन का स्कैंडल होगा वहां नैब रिकवरी में आएगी और जहां किसी का जाति या पर्सनल होगा वहां बैंक करेगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं सॉरी राय साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो जहां पर जो तो सिर्फ तमाम वो कर्जा जात और कवानीन जिसमें एक कस्टमर और बैंक का रिलेशनशिप है वो बैंकिंग कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन है, जबकि नैब एक पूरे मुल्क के ऊपर एक पटवारी से लेकर एक मिनिस्टर तक अगर कोई भी करप्शन होती है उसमें बैंक इन्वॉल्व है या नहीं है वो नैब की ज्यूरिस्डिक्शन है। तो नैब की ज्यूरिस्डिक्शन एक वास्ट ज्यूरिस्डिक्शन है, एक काफी जबरदस्त कह लें कि स्ट्रिक्ट किस्म की ज्यूरिस्डिक्शन है, जबकि जो बैंकिंग लॉ ऑल्दो के ये भी स्पेशल लॉ है, हमारे जनरल लॉज में फाइनेंशियल जनरल लॉ नहीं है, नैब ऑर्डिनेंस जनरल लॉ नहीं है, लेकिन ये भी स्ट्रिक्ट लॉ है। लेकिन नैब ऑर्डिनेंस के अंदर चेयरमैन नैब के पास कुजाई जुडिशियल पावर्स है, ऐसी ताकतें जो एक अदालत के पास होनी चाहिए वो एक शख्स को दे दी गई, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली नैब कवानीन का भी मिसयूज किया गया। अच्छा अब सलमान, हम अब दूसरे एक आते हैं राइट ऑफ का, जो हमने बात पहले की वो पहले तो यहां पे देखने में ये आया है कि मैं अगर 20,000 रुपए का डिफॉल्ट करता हूं तो मेरी तो शायद जायदाद जो है लीलाम कर दी जाती है, जबकि जो 20 अरब रुपया लेके हड़प करता है उसके लिए तो कोई नहीं आता, और फिर वो कर्जों की माफी जिसको राइट ऑफ का नाम दिया गया है, हमें जरा उस पर बताइए कि ये कर्जों की माफी करने का इख्तियार किसको होता है और ये क्यों किए जाते हैं, और फिर ये 20 अरब के ही क्यों किए जाते हैं, ये 20,000 क्यों नहीं किया जाता? राय साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक से पूरी तफासील हासिल की हैं जिसमें 1947 से लेकर अब तक के जितने कर्जा जात दिए गए और जितने कर्जा जात को माफ किया गया, राइट ऑफ किया गया या वेव कर दिया गया, और वो कौन अशखास थे, कौन से इदारे थे, वो तमाम पब्लिक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में वो चीजें मौजूद है, और स्टेट बैंक भी एक पब्लिक इदारा है उसके रिकॉर्ड में मौजूद है। सवाल आपका यह है कि एक बड़ा जो बहुत बड़ा कर्जा लेता है उसको वेवर क्यों मिलते हैं और छोटे वाले, बड़ी मछली और छोटी मछली वाले? तो गुजारिश यह है सर, मैं लफ्ज मछली यूज नहीं करूंगा, तो कस्टमर नहीं, नहीं सलमान साहब आप देखिए, आप हमारे नाजरीन को तो मछली ही समझाइए क्योंकि कस्टमर की जबान शायद हम तो क्या समझेंगे। उसमें जो बैंक होता है उसको कानून ने एक पावर दी है अपना मुनाफा माफ करने की जी। अगर मैंने बैंक से 100 रुपया कर्जा लिया है तो मैं उसको 20 रुपए बैंक को मैंने मुनाफा नहीं दिया, बैंक मुझे मुनाफा माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने 100 रुपए में भी माफी लेनी है तो बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है जी वो वहां पर मुझे अप्रूवल देगा, फिर मुझे वो इजाजत देगा तो माफ होगा। उसके बाद वो तमाम माफी जो मुझे दी गई वो स्टेट बैंक को बैंक ने रिपोर्ट करनी है अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में, डेली बेसिस पे भी, वीकली बेसिस पे भी, मंथली बेसिस। क्या वो उसमें वो माफी की ग्राउंड्स बताएंगे? जी वो अपने क्यों उन्होंने किया जी, वो जो अब गुजारिश ये है कि जो माफी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते हैं वहां पर एक कॉमन मैन की रसाई नहीं है जी, वहां पर रसाई उसी की है जिसके जो वहां बैठता है, जो वहां तक जा सकता है जी। तो आम तौर पे जो एक आम कस्टमर है उसको तो बैंक सेटलमेंट कर लेते हैं, अपने प्रिंसिपल रिकवर कर लेते हैं और मार्कअप उसको छोड़ देते हैं, लेकिन जहां पर प्रिंसिपल में छूट मिलती है तो उस प्रिंसिपल में जो छूट मिलती है वहां पर एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं कि किसी कानून में हमारी अदालतों के पास पावर ही नहीं है कि कानून में अदालत किसी को कर्जा माफ कर सके, इंटरेस्टिंगली ठीक। ये बड़ा हमारी पूरी रजीम, लीगल रजीम के अंदर किसी अदालत के पास कोई पावर नहीं है कि वो बैंक के किसी कर्जे को जो डिग्री की फॉर्म में डिटरमिन हो गया हो उसको माफ कर सके ठीक, और बैंक खुद उसको माफ कर सकता है। अब बैंक के ऊपर जो चेक है वो चेक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो गवर्नर है उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी मुझसे बेहतर आप समझते हैं, और जो बैंक्स के हेड्स हैं, कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं, कुछ कमर्शियल बैंक्स हैं, और कुछ बैंक्स हमारे गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स हैं। तो अब मेरा ख्याल है मैं साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं नाजरीन, ये वो वाली बात है। सलमान साहब ने आपको तमाम चीजें जो है वो बड़ी क्लियर कर दी है और आपको इस बात का अंदाजा हो गया है कि ये राइट ऑफ के मामलात और कर्जों की
जो बंदर बांट और उसके बाद उनकी माफियां हैं, उनके उनके सौते और वो उनकी जो जो छोटी नदियां या बड़ी नदियां हैं वो कहां से फूटती हैं, ये तो सलमान साहब ने बताया। अच्छा सलमान, ये भी हमें थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपके बैंकिंग ऑर्डिनेंसेस के आने से पहले के अदालत कर्जों के बैंकों की रिकवरी के क्या मामलात किन अदालतों में हुआ करते थे, और आज जो आप बैंकिंग कोर्ट्स के स्पेशल कोर्ट्स हैं उनके हवाले से उनकी ज्यूरिसडिक्शंस भी हमें समझाइए या हमारे नाज़रीन को बताइए। वैसे सब कोई भी बैंक पाकिस्तान में जब अपना बिजनेस करता है तो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 के तहत अपना बिजनेस करता है जी। और उसके बाद उसमें जब 62 के बाद उसमें जो इनिशियली हमारा सिविल प्रोसीजर कोड 1908 उसमें एक स्पेशल ऑर्डर है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर 37, जिसके तहत एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो है उसके पास पावर्स होती हैं वो तमाम केसेस को सुनने की जिसमें कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कोई प्रोमिसरी नोट, कोई चेक या कोई डिमांड ड्राफ्ट या कोई पे ऑर्डर जिसमें इशू हो वो इस बारे और वो कानून आज भी मौजूद है। आज भी अगर दो लोगों के दरमियान झगड़े का कोई तयन करना होगा और उसमें कोई कोई चेक या प्रोनोट का इशू है तो आज भी हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस ही सुनते हैं उसको। उस वक्त भी यही कब में होते थे। सबसीक्वेंटली फिर स्पेशल लॉज आहिस्ता आहिस्ता जब लोन्स बढ़ते गए तो जरूरत महसूस हुई स्पेशल कोर्ट्स बनाने की, स्पेशल कोर्ट्स बनी। उससे पहले 84 के ऑर्डिनेंस के तहत स्पेशल कोर्ट्स बनी, उसके बाद फिर 97 के एक्ट आया, फिर 2001 का एक्ट आया जो इस वक्त प्रिवेल कर रहा है। लेकिन यहां पर मैं आपकी तवज्जो एक बड़े अहम नुक्ते की तरफ मबजूल करवाना चाहूंगा कि हमारे स्पेशल कोर्ट में जो जजेस है वो वही डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है कि वो उस लॉ में जज बैंकिंग कोर्ट है और वो उसी सिविल प्रोसीजर कोर्ट के अंदर वो दूसरी पावर्स ऑर्डर 37 यूज कर रहा है। तो पर्सन एक ही है और कानून दो मुख्तलिफ हैं। तो यहां पर होना ये चाहिए कि अगर आप एक बैंकिंग एक स्पेशल सब्जेक्ट है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, ब्रिज फाइनेंसिंग क्या है, उसके बाद जो नॉन फंडिंग फैसिलिटीज क्या है, कंटीजेंट फाइनेंसिंग क्या है, इंश्योरेंस फाइनेंसिंग क्या है वगैरह वगैरह, इसके लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड पर्सनालिटी चाहिए। आपको बैंकिंग जजेस लगाने से पहले सेशन जजेस को जुडिशियल अकेडमी में स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए, या आपको वो बल्कि मैं दरखास्त करूंगा हुकूमत से कि हमारे वुकला लंडन लॉयर्स अगर हाईकोर्ट के जज बन सकते हैं तो बैंकिंग कोर्ट के जज क्यों नहीं बन सकते। अच्छा सलमान, अब यहां हमें एक और भी नाजरीन के लिए जो आजकल कॉमन फिनोमेना है वो फिनोमेना है चेकों का डिसऑनर होना और फिर उस डिसऑनर के ऊपर 489F का क्रिमिनल एक पर्चे का इंदराज होना। उसमें देखा गया है कि कुछ तो जेन्युइन चीजें हैं, पहले चेक की वक़्त वो नहीं हुआ करती थी जब सिविल लॉ में थे, अब जब स्पेशल लॉ इनकॉर्पोरेट किया गया 489F की शक्ल में तो उसके बाद चेकों का एक एहतराम बना और फिर लोग अब चेक देने से घबराने लगे। तो मेरी प्रैक्टिस में भी देखने में आया, मैंने भी मुशाहिदा किया कि इसमें काफ़ी जेन्युइन भी हैं और काफ़ी इन जेन्युइन चीज़ें भी इसमें शामिल की हुई हैं 489। उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए कि 489F का इतलाक कहाँ कहाँ आप समझते हैं और कैसे हो। राय साहब, आपका सवाल को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त और आज के हालातों वाकयात के मुताबिक बड़ा अहम सवाल है आपका। राय साहब, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि 489F का जो मुकदमा है पाकिस्तान पिनल कोड ताजीरात पाकिस्तान के तहत, इस मुकदमे में अनफॉर्चुनेटली पहले बैंक्स जो थे वो भी पार्टीज बनना शुरू हो गए थे और वो हमारी लाहौर हाई कोर्ट ने ही जो चेक्स सिक्योरिटी कोलेट्रल में एज ए गारंटी दिए जाते थे उनके डिसऑनर के ऊपर उन्होंने मुकदमात कराना शुरू कर दिया जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया। अब जो प्राइवेट डीलिंग्स है, प्राइवेट पर्सन है, उनके पास दो अख्तियार है। अगर चेक डिसऑनर होना एक जुर्म है ताजीरात पाकिस्तान में जिसकी 3 साल की सजा है और वही ऑर्डर 37 के तहत एक रिकवरी का दावा है जिसमें आपको मनी डिग्री मिलती है, तो आपके पास दो, एक सिविल रेमेडी है, एक क्रिमिनल रेमेडी है अगर चेक डिसऑनर होता है। अलबत्ता नाज़रीन को चाहिए कि चेक जो है ये एक इंतहाई अहम कागज है, ये एक कैश है, इट इज अ मनी, तो इसकी ट्रांजैक्शन से पहले आप अपना कारोबारी कागजात जो है वो जरूर लिखा करें, पढ़ा करें और पढ़ने लिखने के बाद समझ कर दस्तखत करें और इसको एक इसको मिस यूज ना करें क्योंकि इसके रेपरकशन जो है वो फिर लोगों की अनफॉर्चुनेटली हमारी एजेंसी जो है काली वर्दी वाले सिर्फ लोगों की इज्जतें उछाल देते हैं। अभी हमारे पास टाइम की कमी है सलमान, आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू हमारी जारी है और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं फिर भी आपको तकलीफ दूंगा कि आप हमारे प्रोग्राम में आइएगा क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे मजीद अभी हमारे नाजरीन के लिए बहुत से ऐसे सवालात, ऐसी चीजें और नाजरीन हमें नाजरीन आज का प्रोग्राम आपने देखा। सलमान मसूद एक बहुत बड़े कानूनदान हैं और बैंकिंग में उनका बहुत नाम है और अब माशाल्लाह वो बहुत बड़ी कंपनियों को, बैंकिंग को फॉर एंड अगेंस्ट
रिप्रेजेंट करते हैं और माशाल्लाह उनकी प्रैक्टिस का हिस्सा है। तो हमने ये देखा कि बैंकिंग कवानीन के हवाले से जो जो चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं उनमें ना तो कोई एजुकेशन हमारे पास मौजूद है, ना कोई स्पेशलाइज्ड जुडिशियल सिस्टम, जिसकी बात सलमान ने की कि देयर शुड बी सम स्पेशल जुडिशियल सिस्टम, क्योंकि ये एक स्पेशल लॉ है। और जब स्पेशल लॉ की आप बात करते हैं तो उसमें पर्सन तो एक है, लेकिन आप उनको दो तरह के इख्तियार दे के उनको डिफरेंट तरीके से एक्सरसाइज करवाते हैं, तो उसके लिए भी इस पे काम होने की ज़रूरत है। इसके अलावा बैंकिंग के कर्जों के हवाले से, राइट ऑफ के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से भी हमारी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। हम इस पे दोबारा भी प्रोग्राम एक रखेंगे, हम दोबारा सलमान आपको ज़हमत देंगे कि आप तशरीफ़ लाइए लाहौर से। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे पास बैंकिंग के हवाले से जो भी मामलात थे वो हमने आपसे डिस्कस किए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ज़रूर हमें हमारी ईमेल पे लिखिए, हमें कॉल कीजिए, हमारे साथ अपनी कोई मसाइल के हवाले से हमें आगाह कीजिए, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका है। कानून तक रसाई सिर्फ और सिर्फ आवाम का प्रोग्राम है और ये आपके लिए है। हमारी इस प्रोग्राम से के हवाले से कोशिश रही है कि हम तमाम उन बड़ी शख्सियात को अपने स्टूडियोज में दावत दें जो आके आपको आपके कानूनी मसाइल के हवाले से ज्यादा बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकें। अपने मेज़बान राय अज़हर हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम।